জেম ক্রিয়েশনের পর্দায় দর্শকদের জন্য এই মুহূর্তে একটি বিগ ব্রেকিং নিউজ নিয়ে আপনাদের সাথে রয়েছি আমি তোহিনা পারভিন। আমি আবারও বলছি একমাত্র জেম ক্রিয়েশনের দর্শকদের জন্য এই মুহূর্তে বিগ ব্রেকিং নিউজ। শিলচর শহরে ঘন ঘন চুরির ঘটনা ঘটলেও শেষ পর্যন্ত বড়সড় সাফল্য পেল কাছাড় পুলিশ। মঙ্গলবার রাতে শিলচর শহরে তারাপুর রংপুর রঙেরখাড়ি সহ বিভিন্ন এলাকায় একের পর এক অভিযান চালিয়ে মোট কুখ্যাত 17 জন চোরকে গ্রেফতার করেছে কাছাড় পুলিশ। ধৃতরা বিভিন্ন চুরির ঘটনায় জড়িত রয়েছে বলে জানান পুলিশ সুপার নমুল মাহাতো। পুলিশ সুপার বলেন, তাদের কাছ থেকে তামাক, কাঁসা, ল্যাপটপ, মোবাইল, গাড়ির ব্যাটারি, জলের পাম্প সহ অন্যান্য সামগ্রী তাদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়। গ্রেফতার করা 17 জনের নাম হচ্ছে কামাল হোসেন মজুমদার, আনোয়ার হোসেন, শিনু লস্কর, বীরেন দাস, তৈবুর রহমান লস্কর, রফিক উদ্দিন লস্কর, রাজু দাস, আলতাফ হোসেন লস্কর, রহিম উদ্দিন মজুমদার, কিষান দাস, রেবেল হোসেন মজুমদার, আব্দুল জলিল লস্কর, আলী হোসেন বড়ভুইয়া, মান্না দে, গণমণি দাস, বিশ্বজিৎ দাস ও দীপক দাস। এক রাতে 17 জন চোরকে গ্রেফতার শিলচরে। আতঙ্কিত না হওয়ার আহ্বান এসপি পুলিশ সুপার জানান। চোরের ঘাঁটিকে উৎখাত করতে কাছাড় পুলিশ কর্মীরা দিনরাত কাজ করে যাচ্ছেন। জনসাধারণকে আতঙ্কিত হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই, পুলিশ প্রশাসন সবসময় জনসাধারণের স্বার্থে কাজ করে যাবেন। এক রাতে 17 জন চোরকে গ্রেফতার শিলচরে। আতঙ্কিত না হওয়ার আহ্বান এসপি পুলিশ সুপার আরো জানান, গ্রেফতার করা কুখ্যাত 17 জন চোরকে জোর কদমে জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে যাচ্ছে পুলিশ। বিস্তারিত দেখুন হাইলাকান্দি থেকে পাঠানো আমাদের প্রতিনিধি সিপ্রিয়ান ডাসের রিপোর্টের মাধ্যমে জেএম ক্রিয়েশন। यहाँ जो छोटा जो जो चोर का जो चोरी का जो घटना होता है जो वो समाज का समाज में लोगों का वहाँ का जो शांति है उसमें शांति का नष्ट करते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने असम के माननीय मुख्यमंत्री जी ने का आदेश है कि लोग अमन चैन से रह सकें, उसके लिए हम पुलिस दिन रात हम काम करते हैं। और उसके लिए जैसे पब्लिक लोगों ने हम लोगों को बताया कि ऐसा थोड़ा चोरी हो रहा है, तो उसके उसको मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने कल रात को एक बहुत बड़ा अभियान किया था। इसमें हमने एक तीन पांच पुलिस टीम हमने इसको तैयार किया, और हमारा जो नया प्रोबेशनर लोग आया है, डीएसपी प्रोबेशनर लोग है, ये लोगों ने इसको लीड किया। पूरे रात को, पूरे रात ये अभियान चला। इस अभियान के दौरान हम लोगों ने 17 हैबिचुअल ऑफेंडर है और जो केसेस रजिस्टर्ड है और उस केस में ये लोग एक्यूज हैं, उन लोगों को हम लोगों ने पकड़ा है। अब पकड़ने के साथ ही हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें जो चोरी चोरी करके जो ले गया था, ऐसा जो सामान है, काफ़ी सामान हम लोगों ने उसे बरामद किया है। ऐसे उसमें से 17 आदमी को हम लोगों ने अरेस्ट किया है, 17 चोर को हम लोगों ने अरेस्ट किया है, जो लोग पूरे टाउन में, पूरे सिटी में, मोहल्ले में घुस के जो लोग चोरी का काम जो करते हैं, ये लोग को हम लोगों ने पकड़ा है। और इसके साथ साथ ही हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें बरामद किया है, उसमें से 4 गाड़ी का बैटरी है और 3 वाटर पंप है, और बहुत सारा जो कांस है, कांस का सामान है, और उसके साथ ही 12 जो मोबाइल हैंडसेट है जो ये लोग छीन के ले जाते हैं, वो मोबाइल हैंडसेट और एक लैपटॉप, ये चीज़ें हम लोगों ने बरामद किया है। अभी भी हमारा अभियान चल रहा है, और ये लोगों का जो जहाँ जहाँ ये लोग भाड़े पे रहता था, जहाँ जहाँ इसको घर है, ये लोग का जो डेरा है, उस डेरा पे हम लोगों ने अभियान चला रहे हैं। और भी कुछ सामान इसमें बरामद होने का हम लोग सोच रहे हैं कि हम शायद बरामद हो सकता है, तो उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हमारा यही मुहिम है कि जो भी लोग शांतिप्रिय लोग हैं, अमन शांति से रहे, इसमें जो लोग इसका यहाँ पे अशांति फैलाने के लिए कोशिश करेंगे, ये चोरी काम जो लोग करेंगे, उन लोग के विरुद्ध में हमारा ये अभियान चलते रहेगा, और इसके विरुद्ध हम लोग हमेशा वी आर ऑलवेज रेडी टू फाइट अगेंस्ट दिस इविल्स ऑफ द सोसाइटी, और उसको हम लोग अमन शांति से रहे उसके लिए हम सर एक चीज जो है कि आपने पूरे शहर में इस अभियान चलाया है। जी जी। इस जो 17 लोगों को जो पकड़ा है, इन लोगों के और जो इन्फॉर्मेशन मिलने की आशा है आपको कि पूरे शहर में शांति फिर से लौट आए, क्योंकि लोग परेशान है सर। लोग देखिए ये जो चीजें जो है, देखिए कुछ चीजें जो है, हम पब्लिक को भी हम आग्रह करेंगे कि आप लोग भी हमको सहयोग करिए। जैसे एक घटना हुआ, मैं आपको बता सकता हूँ, जिस घटना में ऐसा हुआ कि वहाँ आदमी सोया हुआ था, उसका परिवार सोया हुआ था, बच्चे सोया हुआ था, उस रूम में घुस के चोरी हुआ है और उस किसी को मतलब पता नहीं है, तो ऐसा भी होता है। तो हम लोग यही है कि पब्लिक को हमको सहयोग चाहिए,
सहयोग चाहिए और इसको हम के जो एक चोरी का चीज़ है, जो घटना जो घट रही है, इसको हम कम्प्लीटली इसको समाप्त करना है। और इसमें देखिए हर चीज़ में पब्लिक का सहयोग नहीं होने से हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो जैसे भी हो, किसी लोगों के पास ऐसा भी कोई ऐसा खबर आता है, कुछ भी खबर आता है, या हम आप लोग मीडिया फ्रेंड्स के थ्रू हम उन लोग को बताना चाहते हैं कि वी आर ऑलवेज रेडी टू फॉर योर सर्विसेज। हम जब भी 24 आवर्स हम रेडी है, आपको जब भी हम हमारा सर्विस आप लोगों के लिए चाहिए, वी आर ऑलवेज डेयर टू स्टैंड बाई यू। लेकिन आप लोगों का भी हमको आगे आके हमको सहयोग करना है। इट इज़ जस्ट नॉट जस्ट वन वे ट्रैफिक, इट इज़ अ टू वे ट्रैफिक। आपको भी आगे आना पड़ेगा, हमको भी आगे आना पड़ेगा, और इस तरीके से हमारा सोसाइटी का जो ये जो मेलेडीज हैं, इसको हमको हटाना है। सर, कुछ फुटेज सीसी कैमरा का फुटेज वायरल हुआ है सोशल मीडिया में, देखा गया कि प्रिय बराकवासी, देश और विदेश दूर काछेर सबाई के जानाई जेम क्रिएशन पक्ष थेके आंतरिक प्रीति और शुभेच्छा। आमादेर जेम क्रिएशन फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल लाइक फलो शेयर और सबसक्राइब करार अनुरोध करछि। आपनारा आमादेर पाशे थाकुन, सुस्थ थाकुन, भालो थाकुन। धन्यवाद।